शहीद आएगा हशर के मैदान में, अल्लाह लगेंगे हिसाब दो। सखी आएगा, अल्लाह कहेंगे हिसाब दो। मुत्तकी आएगा, अल्लाह फरमाएंगे हिसाब दो। मुसीबत ज़दा आएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा मुझे इससे शर्म आ रही है, मैंने इसको कश्मीर में ही दुख दे दिया था, बस बस तू जा जन्नत में, तेरा कोई हिसाब नहीं, चल चल चल। जिसको अल्लाह हिसाब से बचा ले उससे बड़ा खुशकिस्मत कौन हो सकता है कि क्यामत के दिन उसकी फाइल ना खुले। क्यामत की सबसे खौफनाक घड़ी है जब अल्लाह नाम लेकर पुकारेगा, फरे फलां फलां का बेटा हाजिर हो जाए, फलां फलां की बेटी हाजिर हो जाए। ये सबसे मुश्किल घड़ी है, सबसे औखी घड़ी है, जिसको अल्लाह फरमा दे नहीं नहीं तुम्हारा कोई हिसाब नहीं, जाओ, जो तुम्हें दुनिया ने दुख दिया था वही तुम्हारे लिए कफारा है, तुम बेहिसाब जन्नत में चले जाओ, इनसे बड़ा नसीबों वाला कोई नहीं। और जब अल्लाह मुसीबत जदों की जन्नत खोलेगा और उनको दिखाएगा, तो आफियत वाले लोग कहेंगे या अल्लाह हमें भी दुनिया में तो कैंचियों से टुकड़े टुकड़े कर देता ताकि हमें भी ये दर्जात मिल जाते। लेकिन बात खत्म। तो भाइयों, जन्नत की अबदुल आबाद की जिंदगी, दुखी लोगों को जब जन्नत की हूरें जाम पेश करेंगे तो उन्हें गम भूल जाएंगे, जब फरिश्ते पेश करेंगे तो इज्जत में इजाफा होगा, और जब अल्लाह खुद अपने हाथों से पेश करेगा तो क्या हाल होगा। वसखाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। कितने ऐसे नसीब वाले हैं जिनको जन्नत में अल्लाह ताला अपने हाथों से पेश फरमाएगा कि मेरा बंदा तू मेरे हाथों से भी। तो मेरे भाइयों, इस वक्त अल्लाह के सामने झुकने की जरूरत है, रुजू की जरूरत है।